सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी ने मैक्रों सहित कई यूरोपीय नेताओं से की बात, यूक्रेन में युद्ध के अंत और बातचीत की अपील दोहराई। यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों के परिवारों की मदद के लिए जारी किए गए 2 हेल्पलाइन नंबर। अब निडरता के साथ आए आगे, रूस को तुरंत बमबारी बंद करने को कहे पी चिदंबरम की सरकार से मांग। ऑपरेशन गंगा के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंचे बुटापेस्ट, जनरल वीके सिंह ने पोलैंड के 437 यात्रियों को दिल्ली के लिए किया रवाना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली, देश के सभी वन स्टॉप सेंटर पर महिलाओं को दिया जाएगा सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले की अखिलेश यादव ने की निंदा, बोले भाजपा के गुंडों की हरकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, आंख में धूल झोंककर राजनीति करने वालों को करारा जवाब देगी जनता। विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशनों में होगा लखनऊ का गोमती नगर टर्मिनल, समय से 2 महीने पहले होगा तैयार। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव मामले में नया मोड़, भाजपा सांसद संगमित्रा समेत 30 नामजद। लखनऊ पहुंचे छात्रों ने सुनाई यूक्रेन सेना की क्रूरता, कहा अब नहीं जाएंगे। रूस पर भड़के बाइडेन, बोले पुतिन ने बड़ी गलती की, यूक्रेन के साथ खड़ा है अमेरिका। यूएनएससी की बैठक में भारत ने यूक्रेन संकट पर फिर जताई गंभीर चिंता, कहा कूटनीति और संवाद का ओर लौटना ही संकट समाधान का एकमात्र विकल्प। अमेरिकी एयर स्पेस में रूसी विमानों की एंट्री पर रोक, आईसीजे करेगा सुनवाई। चीन ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का किया विरोध, पहले की तरह जारी रहेगा व्यापार। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपात सत्र से बनाई दूरी, शांतिपूर्ण समाधान चाहती है इमरान सरकार। दिग्गज खिलाड़ी दिनेश कार्तिक और रिद्धिमान साहा ने जताई सहानुभूति पर सच्चाई बताई, बोले टीम इंडिया में जगह बुक हो गई है। 19 साल के भारतीय क्रिकेटर सिद्धार्थ मोहिते का कमाल, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 72 घंटे तक की लगातार बैटिंग। रूस पर खेल संस्थाओं ने लगाया प्रतिबंध, शूटिंग एथलीट और टेनिस में हिस्सा लेने पर रोक। विराट कोहली के 100वें टेस्ट के लिए बीसीसीआई ने 50% दर्शक क्षमता की दी अनुमति। मोहाली टेस्ट से पहले मुख्य चयनकर्ता ने जाना पिच का मिजाज, कोहली के लिए खास मुकाबला। टाइगर श्रॉफ ने रेगिस्तान में दिखाया खतरनाक स्टंट, करतब देख सामंता रूट ने दिया रिएक्शन। शाहिद कपूर ने अली अब्बास जफर की एक्शन फिल्म ब्लडी डैडी के लिए मांगी कबीर सिंह से 2 गुनी फीस। शिल्पा शेट्टी की अगली फिल्म सुखी का पहला पोस्टर हुआ जारी, हाथ में बेलन लिए बुलेट चलाने के सपने देखती आई नजर।
त्योहार के मौके पर रिलीज होगी रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की अनटाइटल फिल्म। बॉबी देओल ने सोशल मीडिया में अपनी फनी मीम्स पर पहली बार दी प्रतिक्रिया। रूस यूक्रेन वॉर पर भी मीम हुआ था वायरल। पांच मिनट की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।